हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। डिजिटल मार्केटिंग के हिंदी एपिसोड्स में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे होती है, और इस पार्ट में हम ये लर्न करेंगे कि वही काम सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करती है। तो यहाँ पे दो टर्म है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर हम बेसिक बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से पहले का जो पार्ट है उसमें आपकी ज़रूरत यह है कि आपकी सोशल मीडिया में प्रेजेंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने अभी पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने क्या देखा कि भाई हमको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना था, हमको सर्च इंजन मार्केटिंग करनी थी, तो हम क्या कर रहे थे, तो हमारी एक डिजिटल प्रेजेंस थी, हमारे कुछ वेब पेजेस थे और हम उन वेब पेजेस के लिए काम कर रहे थे। अब यहाँ पे सीन ये है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। तो जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की तो ऑब्वियस है कि हमको यहाँ पे सोशल मीडिया में प्रेजेंस बतानी होगी। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस से मतलब यहाँ पे क्या है, सोशल मीडिया मतलब क्या, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। दैट मींस कि जिसको भी अपना प्रमोशन सोशल मीडिया के थ्रू करना है वो उस बंदे को अपना बिजनेस कहाँ लेके जाना होगा, सोशल मीडिया पे लेके जाना होगा। अभी हम बात करते हैं कि दो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं सोशल मीडिया में जाने के। एक तो वो जो बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है, उनका एक वेबसाइट है और वो अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने कर लिया है और उन्होंने वो सर्च इंजन मार्केटिंग पे भी काम करते हैं, और अब वो ये चाहते हैं कि वो अपनी ब्रांड इमेज इस्टेब्लिश करें लोगों के बीच में। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो लोगों के पास जाएंगे। तो लोगों के पास जाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उनकी सोशल मीडिया में प्रेजेंस क्या है। तो जब सोशल मीडिया में प्रेजेंस की बात करेंगे आप तो क्या करेंगे, तो आप को फेसबुक में भी एक पेज बनाने की ज़रूरत है, ट्विटर में भी बनाने की ज़रूरत है, इंस्टाग्राम में भी होना चाहिए, फेसबुक में भी होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ इसेंशियल है वहाँ वहाँ उस पर्टिकुलर बिजनेस का एक वेब पेज, एक सोशल मीडिया पेज इस्टेब्लिश होना चाहिए। अब जब आपने सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस बना ली, तो सोशल मीडिया में जब आप प्रेजेंस बना लेंगे तब बात आएगी काहे की, तब बात आएगी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की अब हम बात करते हैं कि यह है क्या। तो जब हम बात कर रहे हों कि सोशल मीडिया का आपने पेज तो बना लिया, मगर पेज में उसके हेडर लगाया है प्रॉपर कि नहीं, वो ऐसा तो नहीं कि आपने हेडर की इमेज ऐसी लगाई कि वो बाहर भाग रही है और जो एक्चुअल कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाई नहीं पा रहे। फिर आपका जो लोगो है वो लोगो प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं है, आपकी जो कंपनी की डिटेल है वो प्रॉपर है या नहीं है, किसी को अगर बिज़नेस इंक्वायरी करनी है तो वो उसके लिए कोई कॉन्टेक्ट पर्सन असाइंड है या नहीं है, अगर है तो उसका कॉन्टेक्ट क्या है, अगर उसको कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है, अगर वो कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो उस चीज़ को वो कहाँ शो करे, कैसे शो करे। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, सोशल मीडिया में आपको इन चीज़ों के लिए जब प्रिपरेशन की जाएगी तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में पहली बात यह है कि क्या काम करेगा ये। तो काम क्या करेगा,
सोशल मीडिया में पर्टिकुलर इमेज। देखिए हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया। अब यहाँ पे दो प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, है ना। एक तो प्रोस्पेक्टिव ये हो सकता है कि जिसका बिजनेस वेल इस्टेब्लिश्ड है और वो अपनी सोशल प्रेजेंस बताना चाह रहा है सोशल मीडिया पे, और दूसरा पर्सन वो है जिसके पास कोई एग्जिस्टिंग वेब पेज नहीं है और वो सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने बिजनेस को क्या करना चाह रहा है, प्रमोट करना चाह रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों के दोनों पर्सन एलिजिबल हैं कि वो सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन कर सकते और वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे भी अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी अपनी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। एक्चुअली जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का ये है कि हमको कोई भी बिजनेस है वो बिजनेस है क्या, इस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा डिटेल देना होता है बेस्ड ऑन द सोशल मीडिया डायनेमिक्स। अब यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने यूज़ किया, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, डायनेमिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस तरीके का सोशल मीडिया का नेचर है, आपका कंटेंट उस तरीके का हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका YouTube के लिए हम कंटेंट बना रहे हैं। अब YouTube के लिए अगर हम कंटेंट बना रहे हैं तो हमको ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट के जो डिटेल्स हैं वो एक उनका डिस्क्रिप्शन अलग हो। फिर जब हम उस चीज़ को लेके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाएं या वहाँ पे हम देखें कि कौन कौन सी चीज़ें फ्रिक्वेंट मार्केटिंग के काम में आएंगी, तो उनमें से सबसे बड़ी चीज़ है शॉर्ट्स, तो हमने शॉर्ट्स की भी प्रिपरेशन करी। सिमिलरली आप उन्हीं शॉर्ट्स का यूज़ करके इंस्टाग्राम में भी प्रमोट कर सकते हो, उन्हीं शॉर्ट्स को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, रील्स में भी जा सकते हो, फेसबुक के थ्रू भी प्रमोशन पे जा सकते हो। उन्हीं का यूज़ आजकल काहे के लिए कर रहे हैं, स्टोरी बनाने के लिए भी कर रहे हैं, मगर इन वीडियो इन शॉर्ट्स का जो ड्यूरेशन है वो कितना कितना होना चाहिए और किस तरीके से वो आपके टारगेट बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इस चीज़ को प्रॉपरली रिप्लिकेट करें। तो इस तरीके से जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं उसी के डायनेमिक्स को यूज़ करके, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में अगला पॉइंट है कि ये है क्या, मतलब करेगा कैसे। तो हम दोनों केसेस की बात करेंगे। पहले केस में जहाँ पे उसको सोशल प्रेजेंस बनानी थी, जिसका बिजनेस वेल इस्टेब्लिश्ड है, तो उनके लिए ये काम करेगा एज अ कैटलिस्ट। मगर जिसने अपना बिजनेस ही स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया पेज, तो उसके लिए भी ये काम वैसा ही करेगा। अगर उसके पास कोई ट्रैफिक नहीं था तो एटलीस्ट उसकी प्रेजेंस डिजिटली ऑनलाइन मीडियम्स पे या प्लेटफॉर्म्स पे बनी, अब वहाँ पे वो अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके अपने लोकल बिजनेस के लिए ट्रैफिक कलेक्ट कर लेगा। या इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि आजकल बहुत सारे जैसे फेसबुक है, उसके थ्रू भी प्रोडक्ट को वो सेल कर सकता है, तो वहाँ के थ्रू भी क्या कर सकता है, वो अपने ब्रांड को और अपने बिजनेस को वहाँ भी प्रमोट कर सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पूरा का पूरा हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन सिनारियो क्या है, नॉन पेड सिनारियो है। नॉन पेड दैट मीन्स कि आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए कहीं कोई पैसा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं देना, ना तो यूट्यूब को देना है, ना तो आपको फेसबुक को पे करना है और ना ही आपको इंस्टा को पे करना है। आपको अपने कंटेंट के ऊपर ही मेहनत करनी है। तो आप अपने कंटेंट के ऊपर जो मेहनत करेंगे वो होगा क्या, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए आपको किसी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है कि क्या करना होगा इसके लिए। तो जैसा कि अभी मैंने ये बताया कि ये नॉन पेड है, तो हमको इस चीज़ को करने के लिए हमको अपने ही कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमारा लोगो कितना बड़ा हो, हमारा बैनर कितना बड़ा हो, हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्स हों, हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनी हों, हमारे इंक्वायरीज के पूरे चैनल्स हों, हमारे सेल्स का चैनल अलग हो, हमारे मेंटेनेंस का चैनल अलग हो, सपोर्ट असिस्टेंस का चैनल अलग हो, इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकें ताकि कोई भी अगर कंज्यूमर उसके सोशल मीडिया पेज पे आता है तो वो वहाँ पे उसको लगभग सारी डिटेल मिल जाए और वो इजीली उस बिज़नेस से कनेक्ट हो सके। अब इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है, प्रोफाइल का भी कंटेंट एज वेल एज जो कंटेंट वो पोस्ट कर रहा है या उस अकाउंट से या उस बिज़नेस अकाउंट से जो कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है उसको भी आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कहाँ कौन सा कंटेंट कितना लेंथ का रखना है, किस तरीके से उसको बनाना है और उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो हम डिसाइड करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में। अब इसके बाद बात करते हैं हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में को ही हम क्या बोलते हैं, SMM। अब जैसे ही बात होती है मार्केटिंग की तो होता क्या है, यहाँ पे जुड़ जाते हैं भाई साहब पैसे, और आपको क्या करना होता है, सोशल मीडिया को वालों को पैसे देने होते हैं। तो इट मींस कि जो प्रमोशन आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कर रहे थे, अब उससे एक स्टेप ऊपर का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप पेड प्रमोशंस भी वहाँ पे करेंगे। तो पेड प्रमोशंस तो आजकल लगभग सभी सोशल मीडिया पे सपोर्ट करता है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, उसके अलावा आपका यूट्यूब हो गया, इन सभी पे आप पेड प्रमोशंस अपने बना सकते हैं और चला सकते हैं। अब अगर हम इन चीज़ों के लिए पैसे दे रहे हैं तो हमको अपने ऑब्जेक्टिव्स बहुत प्रिसाइज रखने होंगे और हमको कंटेंट उस पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना होगा, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना होगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव को मिसमैच करते हैं तो हमारे को क्या होगा, हमारी कंपनी को क्या होगा, रेवेन्यू लॉस होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो कि अगर आप किसी कंपनी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके पैसे भी इन्वॉल्व हैं, आपका टाइम भी इन्वॉल्व है। अगर उसमें मिस्टेक होती हैं और आपका एक प्रॉपर स्किल सेट नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप उसके ऑब्जेक्टिव को मिसमैच करते हैं और आपका टाइम और उसका पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। इसलिए इस काम को करने के लिए कुछ स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है। तो पहली जो इसके स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है वो है कंटेंट अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी पर्सन कर रहा है आपका प्रमोशन, उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे फेसबुक में क्या चलाना है, उसको इंस्टा में क्या चलाना है, उसको यूट्यूब में क्या चलाना है, उसको यूट्यूब के शॉर्ट्स में क्या चलाना है, उसको स्टोरीज में क्या चलाना है, उसको ये सारी डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है एडवर्टाइजमेंट की स्किल्स। एडवर्टाइजमेंट स्किल्स से मतलब यहाँ पे सिंपल है कि जो भी मार्केटिंग कर रहा है
उसके अंदर मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट कर सके। और जब तक क्रिएटिव कंटेंट नहीं होगा तब तक क्या होगा, तब तक वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा और उस ऑब्जेक्टिव को उस तरीके से मैच नहीं करेगा। अगला स्किल सेट है इसी में शेड्यूलिंग और अ कैलेंडर। तो शेड्यूलिंग और कैलेंडर से मतलब यहाँ पे ये है कि हर कंपनी एक स्पेसिफिक मोटिव से प्रमोशन करती है और हर पर्टिकुलर मंथ में उस कंपनी का एक अलग क्या होता है, एक अलग ही सिनारियो होता है बिजनेस का। फॉर एग्जांपल किसी मंथ उनको सेल्स के बारे में बात करनी है, किसी मंथ में कोई नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में बात करनी है, किसी मंथ उनको किसी ऑफर वगैरह के बारे में बात करनी है। तो जब आप ये सारी बातें करते हो तो इनको एक शेड्यूल में करते हो और इन शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट्स को यूज़ करते हैं और उन फॉर्मेट्स के बेसिस पे आप क्या करते हैं, कब कौन सी चीज़ पोस्ट की जाएगी ये चीज़ आप डिफाइन करते हो या इस चीज़ का पहले से आप एक शेड्यूल बना के रखते हो कि फॉर एग्जांपल मंडे है तो मैं इस चीज़ का पोस्ट डालूँगा, ट्यूसडे है तो मैं इस चीज़ का, सो ऑन। अब हम बात करते हैं काम कहे के आएगा ये, तो एट लास्ट ये काम आता है मेनली आपको डायरेक्ट टारगेट करने के तो आता ही है, उसके अलावा रीटारगेटिंग के भी काम में आता है। रीटारगेटिंग मतलब ये कि आपकी वेबसाइट पे कुछ यूज़र्स ने विज़िट किया और आप उनको रिवाइव करना चाहते हो तो आप क्या करो, जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया आप उन्हीं को इन मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा इजीली क्या कर लेते हो, कन्वर्ट कर लेते हो। तो ये एडवांटेज है आपका किसका, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब इस एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।